तनवाखे गुरु साहिब जियो हम महल तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माधव हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा गगन दमामा बाजे ओ पर ओ निशान काओ खेत जो मांड्यो सूरमा तब जूझण को दाओ सूरा सो पहचानी है लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत डंडौत बंदन अनिक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ परम सम्मान योग साहिब कमाल कलमधारी खड़कधारी अमृत दे दाते कविया विचों महान कवि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज हजूर दे चार लखते जिगर सन्मान योग बाबा अजीत सिंह जी सन्मान योग बाबा जुझार सिंह जी सन्मान योग बाबा जोरावर सिंह जी सन्मान योग बाबा फतेह सिंह जी हजूर दे सन्मान योग माता मात गुजर कौर जी पंजा प्यारियां विच्चों तीन प्यारे प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी
प्यारे भाई मोहकम सिंह जी, प्यारे भाई साहिब सिंह जी, भाई मनी सिंह दे तीन पुत्र भाई अजब सिंह जी, भाई अजैब सिंह जी, भाई अनिक सिंह जी, भाई मनी सिंह दे प्राता भाई दान सिंह जी और इन्हां नाल शहीद होए समूह गुरसिख अज संयुक्त किसान मोर्चा ए दो रोजा दीवान जो ने उन्हां महान शहीदां नूं समर्पित किए गए ने। कल भी और अज भी आप जी गुरबाणी कीर्तन तवारीख इतिहासिक नजमा और विचारा सरवण कर रहे हो। दास नूं सुनेहा पहुंचिया सी समूह जथेबंदियां दा, भावां मैं बाहरों तां गुरु रामदास जी दे पुरब वेले दा आया हां। अज सवेरे इंदौर तो कथा कर आप संगत दे दर्शन कर ली हाजिर होया। अज 14 पोह है, ऐस वेले साहबजादियां दा सत्कार हो चुका सी। आओ उस गुरु दा अज शुक्र करिए जिस दे पिता दे धड़ दा सत्कार होया ते पुत्र गुरु गोबिंद सिंह कोल नहीं सी। वड्डे साहबजादियां दा सत्कार होया बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह दा, ते पिता गुरु गोबिंद सिंह उत्थे कोल नहीं सी। पिता दे सत्कार वेले पुत्र रूप च उत्थे नहीं सी ते पुत्रां दे सत्कार होए पिता रूप विच उत्थे नहीं। छोटे साहबजादे ते माता जी दा सत्कार होया हजूर उत्थे भी नहीं। उस सतगुरु दे इस परपकार नूं सीने च वसांदे होए मैं निर्धारित समय विच रह के कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करांगा। आप जितने हजूर दी बख्शीश लैण लई अज सत संगत रूप हो के बैठे हो, मैनू असीस बख्शो तां जो मैं आप जी दी विचार राही भय भावना शरदा अकीदत नाल सेवा कर सकां। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कुछ ता जो शहीद लफज है आरंभ विच मैं एदे संबंध विच बेनती करनी चाहना। शहीद लफज दरअसल पूर्व दी धरती दा नहीं, ए भारत दी किसी भाषा दा शब्द नहीं। शहीद लफज अरबी दा है ते इस दी वरतों कुरान विच तकरीबन 35 वार विद्वान कहिंदे ने कीती गई। शहीद दा लफजी अर्थ है गवाह ते शहादत दा लफजी अर्थ है गवाही। साडे पिंडां च कई वारी बजुर्ग अजे भी शब्द वरते ने कि अज फलाने बंदे दी कोर्ट विच उस केस दीआं शहादतां ने, इहदा मतलब ने गवाहियां ने। शहीद दा अर्थ है गवाह ते शहादत दा लफजी अर्थ है गवाही। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी सारी बाणी च शहीद लफज सिर्फ दो वारी आया। मैं इस करके नहीं कोई विद्वता झाड़ ली, मेरी इच्छा जेड़ा लफज असी रोज वरत रहे हैं इस लफज दा पिछोकड़ की। गुरु ग्रंथ साहिब च यह शब्द दो वारी आया है, उस तो बाद इस दी वरतों भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने भी कीती है। उन्हां दा बचन कह के मुर्दा होए मुरीद ना गली होवना, सबर सिद्ध शहीद भरम भओ
खोबना उन्होंने शहीद लफज वरत्या। उंज जिहड़ा शहीद लफज है यह इस्लाम तो पूर्व वल आउंदा है। इस्लाम के अंदर शहीद के पंज दर्जे ने। आप सुनियो सारी गल इस विच आ जाएगी शहीदां दी। इस्लाम विच पहला दर्जा है शहीद, दूजा दर्जा है शहीदे करबला, तीसरा दर्जा है शहीदे आजम, चौथा दर्जा है शहीदे मोहब्बत, ते पंजवां दर्जा है शहीदे वतन। उन्होंने पंज शब्द वरते, पंज दर्जे ने शहीद दे। पहला शहीद का अर्थ जो नेकी दी खातर, मजलूम दी खातर अपना आप वार दिंदा, संघर्षशील जिंदगी विच उन्हूं शहीद किया जांदा। जेड़े करबला विच हजरत मुहम्मद साहब दे दोते शहीद हुए उन्हां लई शब्द वरत्या जांदा शहीदे करबला। उस तो अगे है शहीदे आजम। भारत विच इह शब्द बड़ा वरत्या जांदा पर दरअसल इस्लाम विच जिस बंदे नूं करबला दे शहीदां वाला रुतबा देना होवे उहदे लई लफ्ज वरत्या जांदा कि शहीदे आजम। चौथा में शब्द वरत्या शहीदे मोहब्बत, जो अपने महबूब दे लई फिदा हो जांदा। ते पंजवां शब्द है उत्थे शहीदे वतन। गुरु ग्रंथ साहिब विच महरज कीती शब्द दो वारी आया। उंज वैसे गुरु ग्रंथ साहिब विच आप पाठ करन वाले जिहड़े सज्जन जानदे हो कि ज्यादा लफ्ज जिहड़ा वरत्या गया वह मरे मरने ते मरों वरत्या। मरना लफ्ज, मरों लफ्ज, मरे लफ्ज, यह कदी यह नहीं समझना कि जिवें असीं कहीए फलाने तां सिंह मारिया गया। साडे मन च आएगा शायद यह लफ्ज इन्ना सन्मान योग नहीं। नहीं प्यारियो, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च मरना लफ्ज बहुत उच्चा है पर शर्त ओ के बंदा मरिया कास वास्ते। मरना लफ्ज बड़ा उच्चा है। हुणे मैं एक पाठ कीता सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै है उत्थे शब्द। पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाडे खेत। असीं एक वचन पढ़ने महाराज दा कि कबीर मोहे मरने का चाओ है, उत्थे भी शब्द मरना है। मोहे मरने का चाओ है, मरो तो हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन कै परा हमारे बार। गुरु गोबिंद सिंह जी वचन कर दिया, जब आव की औद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरो शब्द है। अत ही रण में तब जूझ मरो। सतगुरु ने बाणी च किया हजूर दा फरवचन है मरन मुनसा सूरिया हक है। उत्थे भी सूरमिया लई शब्द मरन वरते। बाबा जी ने कहा पहला मरन कबूल, जीवन की छड़ आस, होर सबन की रेणका तो आओ हमारे पास। मेरे कहने तो मुराद मरना शब्द बाणी ने ज्यादा प्रचलित किया। चलो असी शब्द शहीद वरतने ते एक बेनती करा कि दुनिया विच केवल मैं फिरका प्रस्ती ली नहीं, एक साड़ी अरदास ऐसी है, साड़ी खुशी दा कारज, गमी दा कारज, जन्म दा कारज, मौत दा कारज, सच एवे कोई भी काम होवे जिन्नी देर तक अपने शहीदां नूं असीं याद नहीं करदे उन्नी देर तक साड़ी अरदास मुकम्मल नहीं हुंदी। जदों असीं सुणो असीं कहिंदे आ पंज प्यारे, उन्हां विचों तीन प्यारे चमकौर साहब शहीद ने, चार साहबजादे चारे दे चारे शहीद ने, चाली मुक्ते चाली दे चाली शहीद ने। इस तो अगा जिहड़ा अरदास विच असीं बंद पढ़ने आ जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते, ये सारे शहीद आ जांदे ने। बंद बंद कटाए, खोपरियां लुखाइयां, चरखियां ते चढ़े, तारियां नाल चीरे गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसा सवासा नाल निभाई, तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। साडे शहीदां दी सिमरती विच सिमरन है, साडे शहीदां दी याद विच परमात्मा दा चिंतन है। साडे शहीदां नूं जदों याद करने आ ते साडे जिस्म विच वाहिगुरु शब्द
पूरे का पूरा जेड़ा रोम रोम विच रच जांदा। मैं आप नूं गुरु नानक साहब तो लैके ते सरहंद दीआं नीआं तक संखेप बेनती करनी ते मैं अर्ज करांगा गुरमुखो माया तुसी बहुत दित्ती है संगत ने, प्लीज तुसी एकाग्रता बख्शो। इस करके मैं सिर्फ तुहाडे हुक्म नूं मन के सेवा करना आया हां। धन गुरु नानक साहब महाराज जी का आगमन राय भोए की तलवंडी होया, आप सब नूं पता है राय भोए की तलवंडी का हाकम जेड़ा है वह राय बुलार है। राय बुलार की आस्था गुरु नानक साहब प्रति कितनी है, ओदी जदों असी जन्म साखी च उहदे बोल पढ़ने, एक साखी च राय बुलार जी गुरु नानक साहब के पिता बाबा कालू जी नूं कोल बुलांदे आ ते कहिंदे आ कालू मैं एक तैनूं गल दसा, मैं नानक विच अज कुछ वेख्या है। वह कहिंदा राय जी की देखिया, कहिंदा ए महापुरख है इहदे करके मेरा शहर वसदा है, कदी नानक नूं फिट मार ना कहीं, मैं खुश किस्मत हाँ कि नानक का निवास इस शहर दे विच है। ये मैं क्यों कहा, उस हाकम की 1500 मुरबा जमीन सी, उन्हें गुरु नानक साहब तो फिदा होके 750 मुरबा गुरु नानक दे नाम लवा दिता। शायद आपको पता होना इस गल का, 750 मुरबा उन्हें जमीन लाई पर गुरु की पकड़ भी नहीं, 750 मुरबा ननकाणा साहब गए पर गुरु नानक साहब ने आ करतारपुर 120 एकड़ शायद 100 एकड़ तो वद जमीन खेती केवल बाबा जी ने उत्थे कीती। अज भी ननकाणा साहब किसी की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, सिर्फ उत्थे अष्टाम लगता है क्योंकि वह जमीन गुरु नानक के नाम से बोलती है, वह धरती गुरु नानक साहब के नाम से बोलती। मैं क्यों शुरू किया, यह साका क्यों वापरिया, ये थोड़ा जा पिछोकड़ जायो क्योंकि तुसी बड़े सूझवान बैठे ते मैं सूझवान शब्द तां वरत रहा कि किसान वीरो तुहाडी लतीफ अकल दे सामने हिंदुस्तान दियां डिग्रियां वाले ऑफिसर भी उन्हां दियां अखां नीवियां हो गई, क्योंकि जो सोची अकल लतीफ अकल दा अर्थ हुंदा बरीक अकल, एक एक नुकते की चीर फाड़ करनी। इस मुल्क विच तां डिग्रियां करके अकल नहीं, चेते रखो डिग्रियां विच अकल नहीं हुंदी, अकल तां अंदर दे समर्पित विचों समर्पण विचों जन्म लैंदी, जिथे समर्पण है उत्थे अकल है, ते चेते रखियो जिथे नीयत रास होवे दुनिया की कोई ताकत उत्थे टिक नहीं सकदी, नीयत नूं भाग लगदे हुंदे आ। मैं आप नूं बेनती कर लगा क्यों यह साका होया, दे पिछोकड़ चलिए, गुरु नानक साहब आए उदो लोधियां दा राज सी, बाबर ने हमला कर दिता, मैनू नाम लेने पैणगे क्योंकि साडी हिस्टरी है। ते मैं एक बेनती करांगा, किसे मजहब विच कदी भी सारे बंदे माड़े नहीं हुंदे, वैसे मजहब लफज ही माड़ा नहीं, जदों मजहब दे नां थले क्रूरता जन्म लैंदी है उदो लोग उस मजहब ते उंगल चुकन लग पैंदे। मजहब कदी माड़ा नहीं हुंदा, धर्म शब्द माड़ा नहीं, धर्म संस्कृत की धरी धातु तो बनिया, एदा अर्थ है धारण करना। मजहब शब्द जेड़ा जूब तो निकलिया, एदा अर्थ है सुनहरी प्रकाश जिन्हों तुसी रिलीजन कहिंदे हो, एदा अर्थ है टुटे हुए नूं दोबारा फिर जोड़ दे, जो विद्वान पुरश दसते हैं। गुरु नानक साहब महाराज जी के आगमन तो लोधी सन, हजूर के वेले फिर बाबर आया। मैं आप नूं तां बेनती करनी चाहना कि उस वक्त दे साहित नूं पढ़ो, लाइव चल रहा है, सिख विद्वान कहिंदे ने बाबर दे कमरे नाल संबंधित जिन्ना सच गुरु नानक ने शेर गर्ज रूप विच बोलिया है किसी की कलम ने वह सच नहीं बोलिया जो गुरु नानक साहब ने बोलिया। उत्थे शब्द है, आप रोज पढ़ते हो, उस शब्द विच गुरुदेव ने की जिहड़ा अलंकार की वरत्या, कहन लगे पाप दी जंज दा लाड़ा काबल तो आ रहा है। उत्थे शब्द है कि जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो, पाप की जंज लै काबलों ताया जोरी मंगै दान विला लो। पाप की जंज दा लाड़ा क्या, ठीक ऐसी स्टेज ते कहने बाबर जाबर क्या, पर गुरु ग्रंथ साहिब च जाबर नहीं क्या,
गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु ने शब्द वरते हैं कि खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता जमकर मुगल चढ़ाया। उत्थे शब्द वरते हैं जमकर मुगल चढ़ाया। अगे याद रखियो ऐस भारत विच अहमदाबाद की धरती ते लाशां बदबू मार दियां सन, कोई शरीरां दा संस्कार करन वाला दफनाण वाला नहीं। ते गुरु ने कहा रत्ना वर्गे कीमती शरीर बाबर दे हलके कुत्तियां ने चीर सुटे ने, वेखो लाशां दे ढेर पए ने, कोई सांभण वाला भी नहीं। ये भी बाणी विच तोक आउंदी है, रतन विगाड़ वगोए कुत्ती मोया सार ना काही, मोया सार ना काही, मरे कोई जिस्मां नूं भी कोई संभालण वाला नहीं। बाबे के ते बाबर क्या दी टक्कर पहली अहमदाबाद कोई, आप सब नूं पता है। ते गुरु गोबिंद सिंह ने लिखे के बाबे के बाबर के दो आप की ए परमेश्वर सो, ए परमेश्वर दी खेड है। करतारपुर दी धरती ते गुरु नानक ने 18 साल हल वाया, जिस किसानी लई अज तुसी इत्थे बैठे। ते मैं एक नजम लिखी है तुहाडे लई, ओ मैं कथा दी समाप्ति ते जरूर बेनती करा। गुरु नानक साहब ने करतारपुर दुनिया तो वक्री खेड वरता दिती। ओनू बाणी विच कहा होरियो गंग वहायोन दुनियाई आखे के क्यों। दुनिया कहती है नानक गुरु नानक ने उल्टी गंगा बहा दी। की उल्टी गंगा ए बहाई, बाबर की मौत हुंदी है ते पुत्र गद्दी ते बैठदा है, ते गुरु नानक चोला छड्डन तो पहला पुत्रां दी थां ते अपने सेवक नूं बिठा के जांदा। ये सुनियो बड़ी वड्डी क्रांति सी कि बाबर का पुत्र हमायूं बैठदा है ते गुरु नानक साहब उन्हां तों बाद बाबा लहना साहब गद्दी ते विराजमान हुंदे। ये प्रॉब्लम की सी, सत दिनां तुसीं सारे सुंदे पए हो, छे पोह दी रात नूं किला छड्डिया। मैं अगे अर्ज करांगा 13 पोह तक सारा परिवार पंज घर दे जी प्यारे सिख इन्हें शहीद कर दिते। प्यारियो तुसीं इहदे पिछोकड़ विच जाओ, इहदियां जड़ां बड़ियां पुरानियां निकल गईआं। इह एक दो दिनां दी 8 महीनियां दी खेड नहीं सी। गुरु नानक साहब उन्हां ने बाबा लहना जी नूं गद्दी ते बिठा दिता। इत्थे गल होर याद रखियो, बाबर की मौत हुंदी है, हमायूं कहिंदा मेरा नाम चलेगा, क्योंकि बाप चाह चुका है। बाबर का नाम क्यों, भावे मेरा बाप है, मोर सिक्का मेरे नाम का चलेगा। गुरु अंगद साहब तख्त ते बैठता है ते कहिंदा महला दूजा जरूर मैं हाँ, पर मोर गुरु नानक दे नाम दी चले। उन्होंने नानक शब्द वरते हैं, आप सब नूं पता 63 श्लोक ने, 63 श्लोकां विच गुरदेव ने नानक पद की वरतों की। इत्थे इक होर गल ध्यान नाल सुणियो, सिक्खी विच असीं जिस मुल्क च रहिंदे आ किते भी सिख रहिंदा है। मैं चलो अज मैं शब्द सिखां नाल रिलेटड ने, कोई वीर किसी धर्म नाल फिरका परस्ती नाल जोड़ के अर्थ ना करे। सच इह वे कि सिख देश भगत है, सब तो वध कुर्बानियां दिंदा है, ते इत्थों तक कि जदों दूजे मुल्क भी जांदा है अपना घरे दा बाद विच बणदा है पहला गुरद्वारा कायम करदा। आप रेंट ते रहिंदा है ते गुरद्वारा बना दिंदा। हुण इत्थे जिहड़ी मैं इक अर्ज आप नूं करनी है, ये नुकता सुणियो, ये प्रॉब्लम कह आत्म नूं अज भी पहला भी कोई शब्द ने जिहड़े तुसीं रोज गुरद्वारियां च वरदे। ये मैं कथा इदकी कीती सी चमकौर साहब, असीं कहिंदे आ गुरु साहब उत्ते चंदोवा लगा, भाई साहब चौर कर रहे हैं, गुरु का दीवान सजे है, ये दरबार लगा है, ये चौकदार ने, ये नगारा है, ये लफ्जां का मतलब की है। चंदोवा सजावट नहीं, केवल डेकोरेशन नहीं, मेरे गुरु ने इस धरती से जिहड़ा नवा तसव्वुर दिता, वह कहन लगे दुनिया के कूड़े बादशाह के सिर से चंदोवे छतर चौरां हुंदियां ने, ये जुल्म ते पाप करदे ने, मैं तुहानू उस रब राजे नाल जोड़ के जाऊंगा जिहदा ना कदी छतर खत्म होना है ते ना कदी चवर खत्म होना है। ये बड़ी वड्डी बागी पुणा सी। बाणी च एक बचन हुंदा है कि वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त। इत्थे शब्द दरबार, यही कारण असीं दरबार साहिब क्यों कहिंदे आ, क्योंकि दरबार साहिब सिख दी अंदर दी स्वतंत्रता दा प्रतीक है। यही कारण के जो जालम चढ़ के आंदा है उहदी नजर दरबार साहब ते क्यों पैंदी है, दरबार साहब दे विचों एक स्वतंत्रता की आवाज है। दरबार वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुल तख्त, सिर शाह
पातशाह सुन एक शब्द पातशाह एक शब्द बादशाह चलो साढ़े कई सज्जन बादशाह दा अर्थ विवाद नाल नहीं करने बाद दा अर्थ हुंदा है ते तखत बादशाह दा अर्थ जिहड़ा तखत दा मालक ते पातशाह दा अर्थ भी जिहड़ा तखत दा मालक सतगुरां ने इस घर लई जिहड़े शब्द बाबियां ने वरते गुरु साहब ने रब लई वरते कि वड्डा तेरा दरबार सच्चा तो तखत सिर शाह पातशाह नेचल चौर छत गुरु अंगद देव लई शब्द वरत्या कि होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिए अगे क्या तुद डिठे सच्चे पातशाह क्या क्योंकि पातशाह झूठे भी सन यह सच्चा पातशाह है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए ओना ही रबाबिया ने क्या तख्त बैठा अर्जुन गुरु उथे लफ्ज तख्त वरत्या सतगुर का खिवै चंदोवा मैं आप नू बेनती करा ये तख्त लफज दरबार लफज हुक्मनामा लफज दीवान लफज ये सारे दे सारे जेड़े सन रूहानियत राज दे चिन्ह समा आया वक्त निकलदा गया इधर बाबर दी थां हमायू हमायू दी थां अकबर अकबर दी थां जहांगीर अगे छां या औरंगजेब हुंदा क्योंकि असी अज दा दीवान दो दिन इन्हां समूह किसान वीरां ने उस खूनी पत्तियां नूं समर्पण कीता है जिन्हों जो भी पढ़ो अखां विचों नीर दी धारा वहतर दी गुरु साहब गुरु अर्जुन देव गुरता गद्दी ते विराजमान हुए आप सब नूं पता है 43 साल की उम्र सी केवल गुरु अर्जुन देव जी जो शहीद हुंदे 42 साल की उम्र है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की हजूर ने सानू तीन बख्शां दित्तियां गुरु अर्जुन देव ने सब तो पहला सानू केंद्रीय स्थान दरबार साहब दिता भावा के सरोवर गुरु रामदास मुकम्मल किया ते दरबार साहब की उसारी धन गुरु अर्जुन देव ने कराई दरबार साहब तो बाद शब्द गुरु जिन्हें जुगो जुग अटल रहने जिन्हों आप सच्चा पातशाह कहते हो ओनू भी दरबार साहब कहते हो दूजा सानू सतगुरां ने इष्ट दिता गुरु ग्रंथ साहब जी तीसरा उन्होंने दिता सानू सक्रिप्ट साड़ी बोली दिती उन्होंने गुरमुखी लिपि सानू दिती क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी गुरमुखी लिपि विच गए भाषावां इहदे विच अनेकां भाषावां कई ने पर लिपि जिहड़ी उह गुरमुखी धन गुरु अर्जुन देव महाराज उन्होंने लाहौर शहीद किया गया इथों मैं गल शुरू करनी चाहना क्यों कर लगा यह टक्कर केवल छे पो तो 13 पो की नहीं इथे जहांगीर दिल्ली का हाकम कहे वह गुरु अर्जुन देव नूं शहीद करदा है ते जहांगीर का पोता औरंगजेब वह गुरु अर्जुन देव दे पोते गुरु तेग बहादुर नूं शहीद करदा सच ए वे गुरु तेग बहादुर दे पोते उन्हां नूं सरहंद दीआं नीआं विच ते चमकौर दी गढ़ी विच शहीद कीता जांदा इहदे पिछे गुरु अर्जुन देव नूं 5 दिन तसीए दिते गए ते 3 तरहां दे तसीए दिते तपत नीर तपत बालू तपत लोह तपदा होया पानी तपदी कोई रेत तपदी कोई लोह 5 दिनां दे तसीआं तों बाद गुरु अर्जुन देव शहादत दा जाम पी गए शरीर वापस नहीं आया मैं कहना सी धन गुरु रामदास तेरे घर दे असी रोम रोम करके ने जन्म लै लिए ते तेरा कर्ज कदी नहीं उतार सकता गुरु अर्जुन देव दा तन अमृतसर नहीं आया गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए उन्होंने पता की क्या कि सवेरे अमृत वेले अंदर नू बलवान करन वास्ते रबाब दी तार वजदी है जिथे तुहाडी सुरत बलवान होवे उथे इस जालम दा मुकाबला कर ली तन भी बलवान चाहिदा है सवेरे दरबार साहिब आसा की वार दा कीर्तन होण लगा ते अकाल तख्त दे सामने ढाडी वारां गाउण लगा ये दोनों कट्ठे हो गए रबाब ते ढाडी वारां कट्ठियां होईयां हजूर ने तख्त बनाया दिल्ली दे तख्त तो उच्चा है मैं फिर आप नूं बेनती करां इहदी उचाई केवल मैं इट्टां करके नहीं करांगा रहिंदी दुनिया तक अज लाल किला है किन्ना कु उत्थे झंडे झूलदे ने रोज किन्नी कु सफाई हुंदी रोज 15 अगस्त नूं कोई जांदा है याद रखियो इह गुरु हरगोबिंद साहिब दा सच्चा तख्त है अठे पैर 24 घंटे सिख जिहड़ा इहदे सामने जाके नमस्कार कर रिहा हजूर गुरु हरगोबिंद साहिब ने
तख्त बनाया, दो कृपाना पाइया। उस वक्त के जेडे ढाडी ने उन्होंने जो वार गाई, आप सब नूं पता, मैं सिर्फ संखेप जी कहांगा, उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब की पग की गल की दस्तार की, वक्त के बादशाह नूं कहा जहांगीर तेरी कि ताकत तू गुरु हरगोबिंद साहब का मुकाबला कर सके। वो पौड़ी है दो तलवारां बद्धियां, एक मीरी दी एक पीर दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहां कोटगढ़ दरवाजा बलक बखीर दी, नाल सपाही नील नाल मल दुरखां दुष्टां करे तगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। गुरु हरगोबिंद साहब ने चार जंग लड़े, आप सारे जानते हो चारे जंगा च हजूर दी जित होई। एक गल होर याद रखियो, गुरु घर दे अंदर पहला रबाब दी तार नाल समझाया जांदा है, प्रेम नाल शब्द नाल समझाया जांदा है। जे जालम ज शब्द नाल ना समझे ते सच एवे, फिर उत्थे अपने आप नूं कुर्बान शहादत दा जाम पीता जांदा है, ते जदों शहादत तो भी ना समझे फिर गुरु घर दे अंदर तीसरा काम है खड़ग नूं हाथ पाया जांदा। मैं अगे जफरनामे चो कुछ बेनतियां करांगा, बड़ा संखेप जिहा मैं चल रहा। यह बाबे के छेवां जामा उधर बाबर के आए, सतगुरां नूं ग्वालियर दे किले च कैद किया गया। आ तुहाडा इत्थे बुढ़ खालसा कहिंदे आ, ये याद रखियो खोज करन दी लोड़ है। इन्हां राहां तो बाबा बुढ़ा साहिब चौंकी लैके ग्वालियर दे किले च गया, ये खोज दी लोड़ है इस थां दी। बाबा बुढ़ा साहिब ग्वालियर तो हजूर कोल पहुंचे, महाराज अमृतसर आए, बाबा बुढ़ा साहिब ने चौंकी कढ़ी, ते हजूर ने कहा तेरी कढ़ी कोई चौंकी जुगो जुग अटल होवेगी, अज तक भी रह रास दे पाठ तो बाद अकाल तख्त तो चौंकी निकलदी है, हरमंदर साहब आउंदी है, अंदर कीर्तन बंद हो जांदा। क्यों? क्योंकि बाबा बुढ़ा साहिब दी चौंकी आ रही। मैं बड़ा सरल जिहा तुहाडी पंछी चात, गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपने पोते नूं गद्दी उत्ते बिठाया, गुरु हर राय साहिब महाराज जी। गुरु हर राय साहिब महाराज उन्हां कोल 2200 घोड़ सवार है, पर गुरदेव ने कोई जंग नहीं की। गुरु हर राय साहब तो बाद उन्हां दे बेटे गुरु हरकृष्ण साहब जी आए। गुरु हरकृष्ण साहब 5 साल कुछ महीने की उम्र च गुरु बने, 8 साल की उम्र च आ बंगला साहब तुहाडे नेड़े दिल्ली। औरंगजेब 1.5 घड़ी कई सज्जन कहिंदे अगे खलोता रहा, पर महाराज जी ने कहा नहीं, नए मलेश को दर्शन देना। गुरु हरकृष्ण साहब चलाने वेले कैसी अद्भुत खेड है, 6वें जामे च दादा अपने पोते नूं गद्दी दे रहा है, ते 8वें जामे विच पोता अपने दादे नूं गद्दी दे रहा है। महाराज ने कहा बाबा बसे ग्राम बकाले। गुरु तेग बहादुर गुरता गद्दी ते विराजमान होए, जिन्हां दा जिक्र उन्हें भाई साहब ने कविता विच भी कीता। इस धरती ते जदों तिलक ते जन्यू खतरे विच सी, मैं इत्थे किसे एक कम्यूनिटी नूं टारगेट बना के नहीं कहांगा, मैं इको बेनती करांगा कि गुरु तेग बहादुर दी शहादत हुण मनुखी हक्कां दी रखवाली वास्ते है। भावें कोई तिलक लाए ते भावें कोई नमाज पढ़े, किसे बंदे नूं हक नहीं कि जाबर जिहड़ा ओह किसे दे धर्म दी दखल दे के उहनूं खत्म करन दा यतन करे। धन गुरु। गुरु तेग बहादुर दिल्ली आए, आप सब नूं पता आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਥੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੋ, 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 10 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, भाई दयाला जी। क्योंकि मेरी इच्छा है मैं आवांगा सस्कार तक, क्योंकि जो जिस संबंध में तुसी इकट्ठे हो मैं खब्बे सज्जे कोई गल नहीं करनी, सिर्फ जिस दिन नूं तुसी मना रहे 10 नवंबर 1675 नूं मती दास दे गेलियां विच गेली शब्द शतीर लक्कड़ दियां शतीरियां च बन के इहदे सिर दे उत्ते आरा रख के 2 टुकड़े कर दिते, एक पासा खब्बे पासे डिग्गा दूजा सज्जे पासे। भाई दयाला जी उन्हां नूं देग दे विच उबालिया गया। भाई दयाला जी भाई मनी सिंह दे सक्के भरा ने,
भाई मनी सिंह 12 भरा सन, एक अमरचंद नूं छड़ के 11 दे 11 भरा उन्हां दे शहीद होए, उन्हां दे पुत्तर शहीद होए, उन्हां दे पोते शहीद होए। लक्की शावण जहरा जिन्हें धड़ दा संस्कार कीता उह भाई मनी सिंह दा सौहरा सी। साध संगत जी, भाई दयाला जी नूं बालिया, भाई सतीदास नूं रूह च बन के हजूर पिंजरे च सब कोई देख दे रहे। प्यारिओ, 11 नवंबर 1675 नूं जदों शहादतां दा टाइम, कदी नोट करो, तकरीबन 11:45 दे विच विच गुरु तेग बहादुर शहीद हुंदा है सच्चा पातशाह, ते 11:45 ते 11:30 दे विच विच छोटे साहिबजादे शहीद हुंदे। हजूर सच्चे पातशाह जी नूं 11 नवंबर नूं बाहर लिआंदा गया। ते मैं एक बेनती करां, साडे बड़े महान कवि सन राम नारायण सिंह जी दर्दी, शायद सुनिया होवे तुसीं, बजुर्ग चलाना कर गए, उन्होंने एक गल कही सी जदों फरियाद की ते गुरु तेग बहादुर साहिब उन्हां दा ख्याल, हजूर कहिंदे कहिआ पातशाह बचियो घरी जाओ, सिर दे के सत बचांगा मैं, हिंदू धर्म दे बुझरे दीवे अंदर तेल अपने लहू दा पांगा मैं, पाया भारत दीआं जड़ां विच लहू अपना, पाया देश दीआं जड़ां विच लहू अपना, भारत वर्ष दा बाग तां फल रिहा है, हिंदू मंदरां दे दीवियां विच हुण वी लहू तेग बहादुर दा बल रिहा। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, उह शहीद हुंदे आ, उन्हां नूं पिंजरे तों बाहर कढ़िया, हजूर नूं इशनान कीता खूही ते। प्यारिओ, मैं बेनती करां, दुनिया च सिर्फ इको मिसाल है, एक शरीर दे दो संस्कार होण ते दोनां विच कई दिनां दा फर्क होवे। वेखो, हजूर नूं चांदनी चौंक शहीद कीता गया, जपजी साहिब दा पाठ दा तारण कीता। इत्थे मैं उस महान गुरसिख भाई साहिब भाई जैता जी, अमर शाह के भाई जीवन सिंह बने, शहादत दा जाम पीता उन्होंने इसे काफले दे विच। मैं बेनती करना, किन्ना कु जरांद होवेगी उहदे कोल जदों चौंक चांदनी विच लोक इकट्ठे होणे होणे ने, उह सिख है, उन्हें जज्बात अंदर किन्ने कु घोटले होने ने कि गुरु तेग बहादुर जदों पिंजरे चो बाहर निकलदा उहदियां अखां चो पानी नहीं निकलदा, उन्हें रौला नहीं पाया, क्योंकि उन्हें पता है मैं सतगुरु दा सीस इस चौंक विच रुल नहीं देना। सब कुछ अंदर उन्हें जर लिया। हजूर नूं जदों शहीद कीता ते भाई साहिब ने सीस हजूर दा अपनी झोली च पाया। प्यारिओ, देखो पड़ां किन्ने, वैसे आम तरावड़ी तो शुरू करने, पहला पड़ा क्या जाता है बाग पट कीता आ मेरठ वाले पासे, अगला पड़ा तरावड़ी कीता, तीजा पड़ा टांगरी नदी टप के अंबाले कीता, उस तो अगला पड़ा नाभा साहब कीता, नाडा साहब नहीं नाभा साहब, नाभा साहब तो बाद भाई जैता जी कीरतपुर गए, कीरतपुर सतगुरु दे सीस नूं पालकी च जदों आनंदपुर साहब लेके गए, पिता गुरदेव गुरु गोबिंद राय ने पिता दा सीस देखिया। मैं तां इस करके नहीं, ए मिथ नहीं कहना, सतगुरु तेरा सीना की हो जा कै, जदों बापू दा सीस वेख्या तां वी अथरू नहीं, जदों जुझार दे सीने च बरशी मार के आंदरा बाहर निकलियां तेरियां अखां विच फिर वी अथरू रहे, उहदे अंदर मोह नां दी कोई चीज नहीं पर प्यार नाल भरिया है, याद रखियो पत्थर नहीं, मोह नां दी कोई चीज नहीं पर प्यार नाल लबा लबे। मैं कहांगा भारत वासियो, इस गुरु दा तुसीं कदी देना नहीं दे सकदे। मैं पिछले दिन ही कहा, तुसीं गृहस्थी बैठे हो, जिस दिन गुरु गोबिंद राय दा जन्म होया, गुरु तेग बहादुर दी उम्र 45 साल सी, 54 साल दी उम्र च हजूर शहीद होए, 5 साल दी उम्र दा पुत्तर हो गया ते पुत्तर नूं मिले, जे तुसी गिनती मिनती करो, गुरु गोबिंद सिंह ने बापू दी गोद सिर्फ 2.5-3 साल मानी। हजूर दा सीस गया कीरतपुर साहिब, सीस गंज है। एक गल होर देखो, किड्डी महाराज ने गुरु तेग बहादुर ने की दिता बाणी दिती, असीं कहिंदे आ गुरु तेग बहादुर ने सानू शहीदां दा खजाना दिता, शीश गंज दा अर्थ रतना दी खान, गंज दा अर्थ खजाना, हजूर सच्चे पातशाह ने शीश गंज बनाए ते सिखां ने सिर दे दे के शहीद गंज बना दिते। ये दो शब्द ने सिखां च, जिथे जिथे हजूर दा सीस गया शीश गंज, ते प्यारिओ जिथे जिथे सिख शहीद होए, बाबा दीप सिंह जी दा शहीद गंज,
बाबा गुरबख्श सिंह जी का शहीद गंज, भाई तारू सिंह का शहीद गंज। बड़ी कमाल की गल कि गुरु केवल बाणी स्वतंत्रता नहीं मरण की जांच भी दसदा है। जे अपना सच्चा सुचा शीश दे दिता सिखा ने सिर ला ला के शहीद गंज बना दिते। शीश पहुंचा तेनू हजूर ने सीने न लाया। आप आनंदपुर साहब जदों जायो जरूर जायो। 29 साल गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर रहे ने, 12 साल एक बार, 17 साल एक बार। जिथे पिता दे शीश दा संस्कार किया हजूर, उस शीश गंज रोज नतमस्तक होण वास्ते जांदे सी। 29 साल महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने जैते नूं पुछिया किसे संसिख, भीड़ बहुत सी, तीन शब्द कहे रंगरेटे गुरु के बेटे। एक शब्द और क्या सी, रंगरेटे गुरु के बेटे सदा पंथ, सदा पंथ संग समेटे। उत्थे हजूर ने फिर पिता दे सीस दा संस्कार किया। मैं आप नूं बेनती करा कि हजूर ने फिर रंजीत नगारा बजाया, क्योंकि जेड़ा हाकम नूं चुभदा सी ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਗ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, 52 ਕਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ, 35 ਉਲੱਥਾਕਾਰ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੱਸਦੀ। ਤੇ ਪੌਂਟੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਖਮਤੇ ਪੁਣ ਭਾਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਮਟੇ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ, ਕਲੰਦਰੀ ਤੱਟ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪੌਂਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵੀ ਤੋੜਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋ ਜਾਗਿਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਘਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰੀਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਕਿੱਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਜੋਰਾਂ ਵਰ, ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜੋਰਾਂ ਜੋਰ ਆਵਰ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਤਾਕਤ, ਆਵਰ ਦਾ ਤੇ ਵਾਲਾ, ਬਲ ਵਾਲਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਰਾਂ ਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 1 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਣ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਟਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੂੰ ਦੀ ਪੂਣੀ ਲਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪੂਣੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅੰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦਸਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਨ ਦੋ ਬੰਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਮਾਲਾ ਫਰਾ ਛੱਡਿਆ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਬਿਆ ਚ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੁੱਗ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਭੁਗਤਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ 14 ਪੋਹ ਤੱਕ ਬੜਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਵੀ ਸੋਨਾਪਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 4 ਜਣੇ 2 ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 2 ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿਦਕ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਚਮਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੜਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਡੋਲ ਸੁਰਤ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਖਾਤੀ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਮਰੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਖੀਰ ਤੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਮਾਤ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਵਲ 73 ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਦੀ ਉਜੜਨਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀਸ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਓ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ ਸਿਦਕ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਸ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਠੋਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹੇ ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੋਪਾਲ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੇ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਕਹੇ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਫ਼ਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀ 7 ਪਾਤ ਪੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ ਕਈ 9 ਮਣ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ 4 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ
एक पासे ने छे पो दी रात चले सत पो दा सारा दिन गुरदेव लड़दे आए। ये नहीं कि अगर जो रोपड़ वाल तुरदे उस इलाके की संगत होनी कनौली जिन्हें राह निकलता है रंगड़ बाहर निकल के मुकाबला करते। सतगुरु फिर पहुंचते आ कोटला निहंग खां रोपड़। निहंग खां हजूर की सेवा करता है। इतों सतगुरु सत पो आलम खां उहदा पुत्र दस्या जांदा है राह। इधर दसदा है चमकौर साहब हजूर जाते। याद रखो चमकौर साहब सतगुरु पहला भी गए हुए। जो सतगुरु रात को चमकौर पहुंचते चमकौर साहब उस गढ़ी च प्रवेश करते। एक कहानी नहीं, एक टीवी सीरियल नहीं कि किसी ने पात्र सिरज दिते खालसा जी एक गुरु गोबिंद सिंह दे आंदरां ते उहदे सीने विचों निकले कोई खून नाल लिखिया होया इतिहास है। ये कहानी नहीं केवल हजूर सच्चे पातशाह चमकौर की गढ़ी वल देखते। उन्हूं देखद्या सार चेहरा जलांग चाया। भाई दया सिंह पुछदे ने सतगुरु आप जी इन्ना नीज ला के। कहन लगे जिस खिते में हम कहते थे आना ये वो ही है। कल लुट के जिस जगह से जाना ये वो ही है। मिट्टी के देती है ठिकाना ये वो ही है। जिस जगह पे बच्चों को किटाना ये वो ही है। ये मुकाम है जेड़े मेरे पुत्र शहीद होंगे। सत पो दी रात कोई शकन नू नहीं मिलिया। चलो ठीक है कईयां क्या जल पानी पर हजूर दा जफरनामा साली अथेंटिक है। उस विच सतगुरु कहिंदे कई दिनों का कुछ नहीं खादा पीता सिखां ने। सत पो दी रात नू विश्राम किया। अठ पो दी दिन चढ़िया ते मैं बेनती करांगा खालसा जी अपने घरां विच कैलेंडर ला लो छे पो तो लैके चौदह पो तक हर एक नू पता होवे अज गुरु गोबिंद सिंह जी का पड़ा किथे। अठ पो दा सूरज चढ़दा है सतगुरु अमृत वेले उठदे आ। इत्थे फिर हजूर ने खालसा जी सिंघां नू अपने कोल बुलाया। सारे इकट्ठे हो गए चार चुफेरे जफरनामे च गुरदेव कहिंदे ने इस तरह कालियां वर्दियां वाली शाही फौज सी। एक सन सूबा सरहंद सूबा लाहौर सूबा जम्मू बाकी पहाड़िए शाही फौज। इहनू कहिंदे ने जिवें सेंटर विचों जांदी है पुलिस। शाही फौज दीआं कालियां वर्दियां गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने औरंगजेब मैं सवेरे वेख्या चार चुफेरे कालियां मक्खियां भिणकदियां पईआं सन। हजूर सच्चे पातशाह जी ने सिंघां नू कहा खालसा जी जी सच्चे पातशाह के आ अज इम्तिहान है। गिनती तुहाडी थोड़ी है पर जज्बात तुहाडे दा कोई मुकाबला नहीं। ते मैं एक बेनती करांगा राजनीति विच केवल वोट वेखे जांदे आ। धर्म विच इकली डिगी टिकी हुई सुरत अडोल सुरत खलो जाए वह करोड़ां नू एक पासे रख जांदी क्योंकि राजनीति गिनती करदी है सिरां दी ते धर्म जिहड़ा इक्को ही सिर दे जाए तो कौम पलट जांदी। हजूर ने कहा जे अज जज्बात नाल जूझ के लड़ोगे सच एवे सदीव काल वास्ते कौम कायम रहेगी। जे अज कमजोरी दिखाई ते चेते रखियो गुलामी गल पै जाएगी। संत राम जी उदासी उन्हां दी एक नजम है भावें उन्हां दे जज्बात ने। वह कहिंदे ने वेखदा रही तू बापू गढ़ी विच बैठा तू वेखदा रही बापू किवें तरनगे अजीत जुझार तेरे टुब्बी मार के सरसा दे रोड विचों सारे कढ लवांगे गीत दे रे। माछीवाड़े दे सत्थर विचों असी उठांगे चंडी दी वार बन के जिन्ना कंडियां दिता ना सौण तेनू छांग दियांगे खंडे दी धार बन के। इस कच्ची चमकौर दी गढ़ी मूरे किला दिल्ली दा असी चुका देंगे झोरा करी ना किले आनंदपुर दा कुल्ली कुल्ली नू किला बना दें। सच एवे इस आज जो मैं तंबू देख रहा सची मुची मैनों दिन चेते आ रहे। इस कच्ची चमकौर की गढ़ी मूरे किला दिल्ली का असी चुका देंगे झोरा करी ना किले आनंदपुर का कुली कुली नू किला बना देंगे। प्यारे सवेरे दिन चढ़िया दुनिया की अदुत्ती जंग हुई चाली सिख भुखण पाने जफरनामा। चलो असी हिस्टरी चो अल्लाह यार खां जोगी सेनापत बाकी संतोख सिंह गुरप्रताप सूरजकोट करने साढ़े को सब तो वड्डी जिहड़ी गवाही है वह जफरनामा।
ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ। 14ਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਦਾਸਤਾਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਕਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ। ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮਰਾ ਇਤਬਾਰੀ ਬਰੀ ਕਸਮ ਨੇਸਤ ਕੇ ਏਜ਼ਦ ਗਵਾਹ ਅਸਤ ਜਜਦਾ ਯਕੇਸ਼ਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਲਿਖਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਣੇ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗਾ ਇਹ ਜਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਣੇ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਾ ਇਤਬਾਰੀ ਬਰੀ ਕਿਸਮ ਕਸਮ ਨੇਸਤ ਕੇ ਏਜ਼ਦ ਗਵਾਹ ਜੱਜਾ ਯਕੇਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਕੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੇਮਾਸ਼ ਕੰਨ ਬੇਦ ਰੰਗ ਆਮਦੰਦ ਮਿਆ ਤੇਗੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦੰਦ, ਕਿ ਕਸਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾ ਲਾਚਾਰ ਕੀ ਦਰਮਿਆਂ ਆਮਦੰਦ, ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾ ਲਾਚਾਰ ਕੀ ਦਰਮਿਆਂ ਆਮਦੰਦ ਬਾ ਤਦਬੀਰ ਏ ਤੀਰੋ ਕਮਾਮ ਆਮਦੰਦ। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਗੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦ ਨੇ ਬਾਏ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਏ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਹਰ ਖਾਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਜ਼ਫਰ ਬੇਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਖਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਦੀਦਮ ਕੇ ਨਾਹਰ ਬਿਆਮਦ ਬਜੰਗ, ਚਾਸ਼ੀ ਦੇ ਯਕੇ ਤੀਰ ਮਨ ਬੇਦ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਖਵਾਜ਼ਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਏ ਦੀਵਾਰ, ਨਿਆਮਤ ਬਾ ਮਦਾ ਬਾ ਮਰਦਾਨ ਏ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜ਼ਫਰ ਬੇਗ, ਇੰਨਾ ਮਰਦੂਦ ਇੰਨਾ ਬੁੱਝਦਿਲ, ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹ ਸਿਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੂਬੇ ਆਦੀਦਮ ਬਾ ਚੱਕ ਬਾ ਯੱਕ ਤੀਰ ਲਾਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਰਤ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਤੋਰੇ, 17 ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਜਾਏ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜੂਝ ਕੇ ਲੜੇ। ਸੈਨਾਪਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਲਾਏ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਧਣੀ
चार बंदियां दे सिर कट्ठे ला दिते। अखीर ते हजूर ने कहा जफरनामे च बहु गिनती, कई बार जज्बातां नूं जबान दबान दा जतन कर दी। हजूर ने कहा देखो मेरा पुत्र मैदाने जंग विच उतरिया, सच ए वे के उहनां दे सीने विच एक दो तीन पता नहीं तीर किन्ने कु मारे, तीरां नाल परोता होया सीना बाबा अजीत सिंह जमीन ते डिगे, अपने खून दा बिस्तरा बना के उथे लेट गए, खून नाल देही भिज गई। हजूर ने गड़ी तो देखा ते आवाज दे के क्या शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, हां क्यों ना हो गोविंद के फरजंद बड़े हो, वाह मेरे पुत्र खूब लड़िया। इथे फिर शीतल साहब कहिंदे आ कि जदों बाबा अजीत सिंह शहीद हो गए, बाबा जुझार सिंह सामने आए, पिता जी भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं भाता। महाराज कहिंदे ने हमने ही कहा था बाप को जा दीजै धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जा दीजै धर्म पर। बाबा जुझार सिंह नूं तोर दिया इत्थे थोड़ा जिहा, चलो अल्लाह यार खां जोगी ओनी ओदी नजम, कोई लिखारी कोई बुलारा कोई ढाडी कोई कवि ऐसा नहीं कि जेड़ा ओदी नजम नूं कोट ना करे। उन्हें क्या हजूर ने एक पुत्र अखां सामने शहीद हो गया, दूजा तैयारी कराते पे ने, तैयारी लिए जिन्हें उन्हें नक्शा पेश किया है, हजूर कहते हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इसे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं करना। लो जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ जा मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मैनू पता है एक ने पाठ कर दिता करतार को सौंपा। किसी बंदे दी लिखत विच छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। लो जाओ सुधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ जा मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम अल्लाह को सौंपा, सिखी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जात जामे शहादत तुम्हें बख्शे। जदो तोरन लगे दरवाजा खोलिया, मैं कहना कहना बहुत सौखा है, कथा करनी बड़ी सौखी है, क्योंकि संगत विचो बुलारे नूं बहुत एनर्जी मिलती है। कभी सीने ते हाथ रख के वेखो किहो जिहा जिगरा उह कलगी वाले दा, दो पुत्र किथे ने पता नहीं, 80-82 साल दी मां किथे वे पता नहीं, एक अखा सामने कोने तीर परोते ने, पुरजा पुरजा कट मरिया, इको उहनूं तोर दिया ते तोर दिया दरवाजा खोल के सीने ना ला केंदे ने बेटा एक इच्छा पूरी करियो। जी हजूर पिता, पिता जी कहन लगे ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से तुम्हें बर्शी खाते हुए देखें, मैं चाहना मैं तेनू अखा न शहीद हुंदा देखा। बाबा जुझार सिंह उतरे आ, सूरज ढलदा पिया सी अठ पो दा, सच एवे ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदा जिवें कंदर विच्चों शेर निकलदा है, गुफा विच्चों शेर निकलदा, गड़ी चो गुरु गोबिंद सिंह दा पुत शेर दी तरह निकलिया। वह कहिंदा सोहना इन्ना सी उहदे सामने कामदेव दीआं अखां नीवीआं हो गईआं, सुंदरता झुकी, कहिंदा कलगी झूलदी कोई निकलिया। उन्होंने अपने तीर चलाए, अपना सांग नेजा चलाया, तलवार टुटी, सचमुच हजूर दे लाल दे सीने च बरशी वच्ची। मैं कहना यह तो थोड़िया गल्लां ने, की कीता होवेगा उन्हां शरीरां नाल जदों डिग पै होणगे। हजूर ने देखिया उधरों सूरज अस्त हो गया, उधरों गुरु गोबिंद सिंह जी अटारी तो थले उतर आए। हजूर दे चेहरे दा जलाल वेखण वाला सी, क्योंकि उन्होंने जफरनामा जेड़ा आप नूं पता होवे दो चिट्ठियां लिखियां ने, एक माछीवाड़े तो लिखी है फतेहनामा, एक लिखी है दीने तो उन्हूं जफरनामा कहिंदे। माछीवाड़े की चिट्ठी विच दो पुत्रां दा जिक्र है, ते जफरनामा जेड़ा उत्ते लिखिया है दीने उहदे च कहिंदे आ चाह शुद्ध के चू बचगा कुछ तै चार, की खोया मेरे चार पुत मार दिते होए के बाकी बेमादस्त पेची दे मार। जेड़ा माछीवाड़े च लिखिया कहिंदे औरंगजेब तू अपनी हकूमत दा मान करने
मैं एको जी अग बाल के रख देंगा तेनू पानी पीना भी नसीब नहीं होगा, पर वो अग सच का पांबड़ होगी। हजूर ने जो छोटा लाल शहीद हो गया, प्यारे भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह तीन प्यारे शहीद हो चुके हैं, एक कोल ने हजूर दे चेहरे वाल देखिया। सीतल साहब ने इतने बड़िया सोहनिया तुक लिखिया ने, वह कहता है जिड़ी तुक सारे वरतने असल च सीतल साहब की है। हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखा सामे हो गया वह बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया उन्हों वीर वडेरा, हाथ बन बोले सतगुरु वाह भाणा तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे संगे चंगेरा, होवा तेतों सुरखरू प्रण पाल उचेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। यह शब्द उन्हां दा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। साहबजादे शहीद हो गए। मैं हुण दूजे पक्ष जिहड़ा तुसी आप मना रहे हो, निक्कियां जिंदा वड्डा साका कहिंदे आ सारे, उंज साका जिहड़ा शब्द है इहदे अर्थ ने दुखांत नहीं, इहदे साका दा अर्थ है हिस्टरी विच वापरी होई ओ घटना जिहड़ी बहुत वड्डा थां रखदी होवे। हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे सत पोह नूं छोटे साहबजादे कुम्मे मासकी दे कोल रहिंदे आ, अठ पोह नूं असीं देखने हां कि साहबजादे आउंदे आ गंगू दे घर च, नौ पोह नूं मुरिंडे कैद कराए जांदे आ, दस ग्यारह बारह पोह सरहंद दियां ठंडे बुरज विच रहिंदे आ, तीन दिन पेशी हुंदी है। बस इहदे नाल ही मैं समाप्ति करांगा इक दो गल्लां कह के। कई वारी वड्डे वड्डे बंदे शख्सियतां दा ते दरबारां दा प्रभाव कबूल जांदे आ, पर गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल कचहरी च गए, ना सूबे दा प्रभाव कबूलिया, ना वजीरां दा प्रभाव कबूलिया, ना काजियां दा कबूलिया, उन्हां नूं ना राज प्रभावित कर सकिया, ना राज सी शख्सियतां प्रभावित कर सकिया। उत्थे उन्हां फतेह गिजाई। इत्थे जिक्र नीयां दा है कोई शक नहीं, पर क्या जांदा है साहबजादियां नूं, ये बिल्कुल ग्रंथ ने जी, सब ने पढ़े ने कथा गुरु सुतन की, साहबजादियां नूं खमचियां मारियां गईयां, तूत दियां छमकां मारियां। डॉक्टर गंडा सिंह ने लिखिया उहदी मेहनत नूं सारे विद्वान मानदे आ, उह कहिंदा कोमल उंगलियां दे विच पलीते रख के अग बाली गई, इस करके कि शायद डोल जाणगे जिन्हां रोटी नहीं दित्ती। पांझा मोती राम मेहरा ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸਰਹੰਦ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਕਾਹਦਾ ਲਾਇਆ, ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਤਵਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮਤ ਜਾਨੋ ਨਾਗੋ ਕੇ ਭੂਤ ਪਛਾਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਤੇਰਾਂ ਪੋਹ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾਂ ਪੋਹ ਨੂੰ, ਬਾਰਾਂ ਪੋਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਆ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੇ ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹ ਰਾਤ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ, ਉਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕੱਲੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਬਹੋਗੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਤੇਰਾਂ ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਦਣ ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਝੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਿੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਜੋੜੇ ਪਾਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਬੰਨੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਓ, ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾ ਤੋ ਲੂੰ,
केशों को कंगी करूं जरा मुंह दुल्हा तो लूं, प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, बेटा मरने से पहले तुमको दुल्हा बना तो लूं। उदे ख्याल ने साहबजादे मां जी नूं मत्था टेक के तुरदे आ, माता जी सीने न लांदे आ, उतरदे ने पौड़ियां, बद किस्मती ओ थावां टा दित्तियां, पैसा आ गया ना सिखां कोल नहीं प्यारे हो, जिथे मां तीन रातां पे लाला नूं अपनी पूरी जिंदगी दी कमाई उहनां च भर दित्ती, ओह इट्टां नहीं सन पटनियां चाहीदियां। ਉਹ ਜਿਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈ ਜੋ ਸੋਨਾ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਤੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਪਿੱਠਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਚਨਚੇਤ, ਛਪਾਈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਭੀੜ ਸੀ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਸਰੀਰ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਸਨ ਨਾ ਕਦ। ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਵੇਖੋ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਦਾ। ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਜੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਸੁਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਡੋਲਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬਚਗਾ ਕੁਛ ਤੈ ਚਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਨੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 12.5 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖੰਡੇ ਕੇ ਸਾਥ ਬੇਗ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦ ਘੜੀ ਚਰਨ ਮਾਰਤੇ ਬਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਆਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਹੈ, ਨੀਆਂ ਟੱਠੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇਰੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਤੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਅੱਤੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਚੌਧਰੀ ਅੱਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਟਾਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਲਟਾ ਕੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਐਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਂਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਤੁਰ ਗਏ,
शहीद हो गए ने दोवें नौ निहाल तुर गए। सूबे ने कंधा विच पीर दिते ने, दोवें कोमल शरीर इट्टां विच नपीर दिते ने। सुन के गल सारी वह मुस्कुरा के उठिया गुरु गोबिंद सिंह। उस नूरे कोल आके पुछया, तू रूबरू सै कोई गल ना लकाई, तू सच सच दसी, कोई कैर ना कमाई, कोई खिंज ते ना कैरी, कोई आ ते ना कड़ी, मेरे लाला ने उच्ची साह ते ना कड़ी। किसे वेखन वाले दसिया तेनू मेरा पुत्र डोले ते नहीं, कोई खिंज ते ना कैरी, कोई आ ते ना कड़ी, मेरे लाला ने उच्ची साह ते ना कड़ी। तैसी दे नाल लगी जदो सट सी करारी, मेरे फतेह ने उच्ची चीख ते ना मारी। कहने ये भी कहन दा अंदाज वखरा सी, लोको जो उन्हें बजाया वो साज ही वखरा सी। लाल शहीद हो गया। मैं थोड़ी जिथे बेनती करांगा, जफरनामा लिखिया गुरुदेव ने, ते मेरी इच्छा है जरूर संगत विच मैं दी व्याख्या जरूर करांगा, समा आएगा। हाँ एक मैं वीरां नूं पाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले, उन्हां नूं करोना होया ते ठीक ने, हुण उन्हां मैनूं कहा सी भी जरूर मेरे वल्लों हाजरी लवा दिया जे, वो गाना चाहते ने। हुण थोड़ी जी ध्यान नाल सुनियो मेरियां गल्लां। जफरनामा वक्ती दस्तावेज नहीं, वो अज भी व्याख्या करेगा। हजूर उच्च इक लिख दिया, औरंगजेब बादशाह दी जबान ते उहदा ढिड एक होना चाहीदा, जिहड़ा खतरा तुहानूं ही पास रहा। बादशाह दा मूंह ते सीना एक होना चाहीदा, ते जेड़े तख्त ते बैठे हुए बंदे दा मूंह कुछ बोले ते ढिड विच कुछ पाले, उहनूं मर्द कहाण दा हक ही नहीं हुंदा। हजूर दा शेर है, हमू मर्द बायद शवद सुखनवर, ना शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। मर्द वो यो बचन का बली। अगली गल ना कही, औरंगजेब तू अपनी गिनती करना, ये सुनियो मेरे इस बेनती नूं। तेरियां फौजां, तेरे अमीर, तेरे वजीर, तेरे बंदे, वो तू अपने बंदियां दी गिनती करना, मेरे पिछे इन्ने करोड़, मैं पुत्रां दी लाश कोलो लंघ के रब दा शुक्र करना। शुकराने भी जो मिलना लश्करों नहीं, तुरा गर नजर हस्त लश्कर वजर, के मारा निगाह अस्त जजदा शुकर, मैं रब दा शुकर करना। प्यारियो याद रखो, गुरु गोबिंद सिंह दी कलम ने औरंगजेब हला दिता। अज तुसी इत्थे आए बैठे हो, मैं पिछले दिन ही हो के गया सा, अज तुहाडा मैनूं सद्दा पहुंचिया, मैं हाजर हाँ तन करके मन करके धन करके। असी उन्नी वड्डी गल सिखी दी कर सके जिन्नी तुसी कुछ दिनां च इत्थे कर दित्ती। मैं बटरिंग नहीं करांगा, इतिहास दोहरा रहा है। नदेड़ तो बंदा तुरिया, इत्थे नेड़े खंडा ते सिहरी पिंडे तुहाडे इत्थे ही है ना। पद्म कहिंदा इत्थे खलो के उन्हें कहा सी, ओए मेरा साथ दिओ, सरहंद दीआं नीआं ते चमकौर दी गड़ी मैनूं आवाजां मारदी, साथ दिओ, मैं इट नाल इट खड़का के रख दिया। हाकम ते कहिंदा होवेगा ना, गुरु गोबिंद सिंह कढ़ता पंजाब तों, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तर मारे गए, इह हाकम ते ही शब्द वरतेगा ना। पर कमाल दी गल, इधर गुरु गोबिंद सिंह सचखंड प्याना करदा पिआ ते बंदा इत्थों होका देंदा पिआ, उन्हें सरहंद दी इट नाल इट खड़काई, जिथे नीआं च हजूर दे लाल शहीद कीते, उन्हें निशान चला के फतेहगढ़ साहिब बना दिता। उस असी शब्द वरतने भाई साहब मैनू कहिंदे तुसी जथेदार साहब, ओ प्यारियो बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम नाल जथेदार भी नहीं लाया, जेड़ा हक तुसी मंगण आए हो सब तो पहला हक बाबा बंदा सिंह बहादुर दिते। पानीपत की लड़ाई सुनांदे आ, इत्थे जिथों जुत्तियां फिरियां उह सुनांदे आ, उह कदी हिंदुस्तानियों सुनाओ, चप्पड़चिड़ी की जंग जिथे 700-800 साल दियां राज दियां जड़ां बंदे ने पट के रख दित्ता। स्थान उहदा थोड़ा सी, उहदे उत्ते फिर शेरे पंजाब खलोता। मैं जिहड़ी उस दिन बेनती कीती, मेरी अरदास है कि परमात्मा तुहानूं कामयाबी बख्शे। मैं 4 सत्रां इत्थे एक दिन ठंड वाला दृश्य देखिया ते मैं एक नज़म लिखी है तुहाडे लई, बस मैं खीर ते समाप्ति कर लगा। गुरमुखो मेरे मन सी, क्योंकि मैं उस दिन भी क्या, मैं रात ठीक है मैं कथा वाचिका, मेरा उंगल सामने होंदी, मैनूं पता है भी पट्ठे वढ़दे मेरी उंगल कट्टी गई सी। इन्हां दिनां च असीं उबाले पिआंदे हुंदे सी कणक दे, जदों तुसीं बैठे हो मेरे मन च आया
खुले असमानी धरत ते बैठे, खुले असमानी धरत ते बैठे दिल च लै अरमाना नू, अरमान दा अर्थ इच्छा। खुले असमानी धरत ते बैठे दिल च लै अरमाना नू, सिदक सबूरी एका बख्शी ए दरवेश जय करसाना। खुले असमानी धरत ते बैठे दिल च लै अरमाना नू, सिदक सबूरी एका देवी दरवेश जय करसाना नू। पुत्तां वांगू फसल सी पाली, कौन हकूमत आ गई, कैसे उल्ट जमाने आए व्याड़ खेत नू खा गए। जिन्हें रखना सी वे खान लग पिया। पुत्तां वांग फसल सी पाली, कौन हकूमत आ गई, कैसे उल्ट जमाने आए वाड़ खेत नू खा गई। बुढ़े बच्चे मावां तियां, फिर बेनती सारी बैठे ना, बच्चे बुढ़े मावां तियां हक हाकम तो मंगदे ने, ओ पुछो दर्द उन्हां दा कोई जो ठंड विच पै ठरदे, पुछो दर्द उन्हां दा कोई जो ठंड विच पै ठरदे ने। मैं इको अरदास कीती गुरु तेग बहादुर दे चरणां च, उत्थे मैं नज़म लिखी सी, फतेह होवे इन्हां दी रब्बा, फतेह होवे इन्हां दी रब्बा, हथ बन ए अरदास मेरी, ओनू किसे ने की हराउणा, जिथे वरते रब जी नदर ते। परमात्मा मेहर करे तुहानू फतेह या भी बख्शे, असी अरदास कर सकने हां। जदों आप जी बुलाओगे शब्द विचार ली कथा ली मैं हाजिर हाँ। मेरे वीरो तुहानू रब एका बख्शे, तुहानू इतफाक बख्शे, इस मुल्क नू तुसी एका दे सूत्र विच बन दिता है। जिहड़ी राजनीति धर्म दे नां ते हुंदी सी ना, चाहे कोई पंजाब च करे चाहे हिंदुस्तान च करे, ये मैं कहना हुण किसान दा मोर्चा नहीं रहा, इस धरती दे इंसान दा मोर्चा बन गया। यह किसान नहीं केवल रहा, तुसी बाहर देखो इत्थे देखो, मैं मध्य प्रदेश च गया, एवें कह दिए भी उत्थे उत्थे भी किसान बाहर निकलिया है। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संगत नूं बेनती करांगा, गुरमुखो बैठे हो जरूर, भाई महल सिंह जी वह भी आए हैं, किसान वीर आया, वीरो तुसी साहबजादियां नूं याद कीता है, गुरु गोबिंद सिंह तुहाडी बौड़ी करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।